माय डियर, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आरडीएसपी सीएसपी और एसबीआई सीएसपी के बीच में कितना अंतर्गत है, यानी कि एसबीआई सीएसपी और आरडीएसपी सीएसपी के बीच कितना तक का आपको ज्यादा कमीशन मिलता है, कौन सा वाला सीएसपी में आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, आज हम आपको क्लियर करके बताने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड मैं हूं मुन्ना, आप हमें कॉमेंट जरूर करें मेरे भाई। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप एसबीआई सीएसपी लेना चाहते हैं तो एसबीआई सीएसपी को लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहता है, डॉक्यूमेंट लगता है और बहुत ज्यादा आपको टाइम भी लगता है और पैसा भी कुछ ज्यादा आपको लगता है। अगर आप आरडीएसपी सीएसपी लेना चाहते हैं या फिर ले रखे हैं तो आरडीएसपी सीएसपी में बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आप ले सकते हैं कम प्राइस में, लो डॉक्यूमेंट में, यानी कि ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड दिखा के आप अपना आरडीएसपी सीएसपी को ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग का। अगर आप एसबीआई में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जाते हैं तो एसबीआई में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देना होता है, जो आपका प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट देना होता है, अपलोड करना होता है। उसके बाद आपका वहां पे 100 रुपया या 200 रुपया देके आपको अकाउंट ओपनिंग करवाना होता है। उसके बाद आपका 7 से 10 दिन के बाद आपका या फिर 4 से 5 दिन के बाद अकाउंट नंबर बन के आता है पासबुक के साथ। अगर बात करेंगे आरडीएसपी सीएसपी में तो वहां पे अकाउंट ओपनिंग करने के लिए ओनली टू ओनली आप आधार कार्ड का नंबर से ही अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट नंबर जनरेट होकर आ जाएगा और आप कस्टमर को दे सकते हैं बिना पैसे के, बिना झंझट के आप अकाउंट नंबर बना के तैयारी करके कस्टमर को दे सकते हैं, वो भी 0 बैलेंस का, 0 मेंटेनेंस का अकाउंट बन जाएगा आपका। दोस्तों स्टेट बैंक सीएसपी में आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगा कि सेविंग अकाउंट कराने के साथ साथ वहाँ पे एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट भी करा सकते हैं एंड माइनर अकाउंट यानी कि 12 साल से ऊपर का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं बिना पैन कार्ड के। और आरडीएसपी सीएसपी में ओनली टू ओनली आप एसबीआई अकाउंट, नॉन मेंबर सेविंग अकाउंट ही कर सकते हैं। और बहुत सारे सीएसपी में अभी जो है आरडी एफडी करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आरडी एफडी करने का ऑप्शन है। दोस्तों एसबीआई सीएसपी में अगर आप आरडी अकाउंट या एफडी अकाउंट कराते हैं तो लो प्राइस में, 0 प्राइस में आप 10 या 20 रुपया डिपॉजिट करके आप आरडी एफडी करा सकते हैं। लेकिन आरडीएसपी सीएसपी में अगर आप आरडी एफडी अकाउंट कराना चाहते हैं तो वहां पे मिनिमम आपको कम से कम 200 रुपया डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आरडी एफडी करा सकते हैं। दोस्तों एसबीआई सीएसपी में कुछ इस तरीके का फैसिलिटी है जो आरडीएसपी सीएसपी नहीं दे सकता है, और आरडीएसपी सीएसपी में ऐसा कुछ फैसिलिटी है जो एसबीआई नहीं दे सकता है। जैसे कि एसबीआई सीएसपी में आपको इंस्टेंट अकाउंट नंबर तो नहीं मिलता है, लेकिन आपका पासबुक बन के आता है, जो कस्टमर को देने के बाद कस्टमर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरा एसबीआई का पासबुक ये देखो। और आरडीएसपी सीएसपी में आपका कोई भी पासबुक कंपनी की तरफ से नहीं आता है, साथ में डेबिट कार्ड भी नहीं आता है, लेकिन आपको खुद से आपको अकाउंट को प्रिंट करके कस्टमर को देना होता है। इसमें आपका कस्टमर जो है थोड़ा घिचकिचा जाता है और अकाउंट ओपनिंग करने में थोड़ा परेशानी हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कमीशन के बारे में और इंसेंटिव के बारे में। एसबीआई सीएसपी में आपको कमीशन के साथ साथ इंसेंटिव भी मिलने वाला है और मिल जाता है, जो आपको मंथली मिलता है। एसबीआई सीएसपी में जितना भी विड्रॉ डिपॉजिट इंक्वायरी करेंगे, मिनी स्टेटमेंट करेंगे, वो कमीशन आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, जो आपको एपीएस से भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। एंड दोस्तों आरडीएसपी सीएसपी में आप जितना मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना ही आपको कमीशन मिलेगा। वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करने में आपको कोई भी कमीशन नहीं देता है, लेकिन एसबीआई सीएसपी में आप अकाउंट ओपनिंग करने में आपको कमीशन मिलता है। जैसे कि एसबीआई सीएसपी में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको 100 रुपया का डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद आपको 45 या 40 रुपया कमीशन मिल जाता है। आरडीएसपी सीएसपी में अकाउंट ओपनिंग करने में कुछ भी डिपॉजिट करना नहीं होता, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ भी कमीशन भी नहीं मिलता है। दोस्तों एसबीआई सीएसपी अगर आप चलाते हैं तो एसबीआई सीएसपी में लोन नहीं मिलता है मर्चेंट वाले को, लेकिन आरडीएसपी सीएसपी में अभी मर्चेंट लोन स्टार्ट हो चुका है, जो आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं इजीली। दोस्तों आरडीएसपी सीएसपी अकाउंट का गवर्नमेंट स्कीम में आप यूज कर सकते हैं, सरकारी योजना में लगा सकते हैं, एंड एसबीआई सीएसपी अकाउंट को भी आप गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट योजना में लगा सकते हैं। दोस्तों आरडीएसपी सीएसपी में आपको कोई भी डेबिट कार्ड फैसिलिटी नहीं मिलता है, जो कस्टमर को दे सकते हैं, लेकिन एसबीआई सीएसपी में आप कस्टमरों को डेबिट कार्ड का फैसिलिटी दे सकते हैं। दोस्तों एसबीआई सीएसपी में आपको ओडी अकाउंट मिल जाता है, जो बिना टीडीएस का होता है, और आप जाके डेली का 5 लाख तक का विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप विड्रॉ डिपॉजिट करेंगे और ट्रांजैक्शन करते हैं तो। और आरडीएसपी सीएसपी में ओनली आपको 1,25,000 तक का ओडी अकाउंट से विड्रॉ लिमिट मिलता है, जो आप डेली का 1,25,000 तक का विड्रॉ कर सकते हैं। एंड आरडीएसपी सीएसपी में भी आपको कोई भी टीडीएस पे करने का जरूरत नहीं होता, बिना टेंशन के आप विड्रॉ निकासी कर सकते हैं। एंड दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही था, जानकारी अच्छा लगा तो कॉमेंट करके जरूर बताए, क्योंकि आपके कॉमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिल सकता है। एंड हमारे चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज यार, रिक्वेस्ट करता हूँ।